अजपा जाप होवे शुभ, धो दे मानस कीच। ये मानस पांच विषय, काम क्रोध लोभ मोह और अहम भाव, ये मानस कीच, मन के कीच, ये इसको धो देता है। ये घास पात है। शांत भाव से सिमरिए, ये तेरी जो मानस अवस्था है, मलिनता है, ये घास फूस के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है। इसका कोई मोल भी नहीं है और इसका वजूद भी तुरंत समाप्त हो जाता है अगर तू एक चिंगारी नाम की इसको दे दे। नाम ये सुरस, सुंदर रस पान कर तू उस सुंदर नाम को जप करके, कैसे जप? शांत भाव से सिमरिए। यदि नाम एक बेर घास पात पत्तर पत्ते, घास पात सब पाप के तेरे से, तेरे द्वारा जाने अनजाने में कितने भी पाप कर्म हो चुके हैं, वह घास वह पत्ते उनमें बहुत शक्ति नहीं है, भीरू है वह, डरपोक है वह, बने भस्म की ढेर। वह भस्म की ढेर कैसे बनता है? अब तक तो अज्ञानवश पाप कर्म करने में मगन रहा, पड़े पाप के पुंज में, जो है सुमेरु मान, ये पाप सुमेरु पर्वत के समान तूने पाप कर्म कर चुका है, जाने में अनजाने में कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। गुरु की शरण में आ गया, वह पथ प्रदर्शक, वह कहा, वह तेरे को वह पथ बताएगा जिससे ये तेरे पाप और पातक ये कर्म घास पात सब पाप के बने भस्म के ढेर कैसे बनेंगे? एक चिंगारी नाम की कर दे राख समा। अगर तेरे को तू पाप बहुत कर चुका है तो भी कोई चिंता नहीं। ये राम नाम तो अगर अंतकाल भी ये राम नाम की महिमा अगर किसी को बालकाल, युवावस्था और वृद्ध अवस्था में इसकी प्राप्ति हो जाए तो उसके अहोभाग्य। अगर देव योग से महापुरुष का मिलाप अंत समय भी हो जावे, प्राण अंतकाल में भी, राम नाम की बहुत बड़ाई। एक चिंगारी नाम की, एक चिंगारी नाम की जो पापों के पहाड़ लगाए हुए थे, एक चिंगारी नाम की कर दे वह भस्म, कर दे वे रकर दे राख समा। अंतकाल जो जन जपे, जन्म जीत वह जाए। वेदागम का मर्म है समझो निश्चय लाए, ये वेदों ने वर्णन किया हुआ है नाम की महिमा को। कोई अंतकाल भी नाम राम 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 कह करके देह को त्याग देवे, वह भी उस शुभ लोकों को प्राप्त कर लेता है। ये राम नाम की महिमा। हे मानव, तुझे तो अब इस समय जब तेरी बनी हुई है आयु के साथ, तेरे सांस चल रहे हैं, तू समर्थ है अपने काम काज करने में, अब तेरे पास तो अधिक समय है उसका और उसके धामों का अंत नहीं है। गुरु वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य ऋषि,
नक्षत्र धाम तक पहुंच चुके हैं, नक्षत्रों में उस धाम में के वासी हैं वह। हे मानव, वह दीन दयालु है, वह देव है, याचना करता है मानव, प्रार्थना करता है। आज ये प्रार्थना सभा, प्रार्थना सभा केवल यही नहीं कि मेरा ये काम सिद्ध कर दो, ये बाधा विघ्न दूर कर दो, हे राम हे गुरुदेव ये मेरा काम बना दो, केवल इस लोक तक सुख आराम बाधा विघ्न को दूर करने के लिए प्रार्थना ही नहीं, अपनी आत्मा का कल्याण करना यह सर्वोत्तम प्रार्थना है। जगे चेतना विमलतम, मेरी वह चेतन शक्ति जागृत हो जावे, ऐसी प्रार्थना करना। जगे चेतना विमलतम, हो सत सुप्रकाश, मेरे भीतर वह प्रकाश उत्पन्न हो आवे। शांति सर्व आनंद हो, मेरे जीवन में शांति सर्व आनंद में जीवन हो। पाप ताप का नाश, मेरे पाप ताप नाश हो जावे, इसकी प्रार्थना करे मानव। जगे चेतना विमलतम, हो सत सुप्रकाश, शांति सर्व आनंद हो, पाप ताप का नाश, अगर वृद्धि ही करनी है, बुद्धि, मेरी बुद्धि की वृद्धि करो, विवेक बल की वृद्धि करो, बुद्धि वृद्धि विवेक बल, आत्म बल बढ़ जाए, मेरी आत्मा का बल बढ़ जावे, सद इच्छा मानस बढ़े, धृति धर्म को पाए, मेरी सद इच्छा, इच्छाएं भी सद इच्छा वह मेरी बढ़ जावे, मैं मेरी धृति, मैं धैर्यवान, धर्म को धर्म अनुसार कार्य करूं, अधर्म के मार्ग पर ना जाऊं। दीन दयालु देव तू ही, तू दयालु देव आदि देव, जिसको कहीं शरण नहीं, हे भगवान तेरी शरण ही तो एक शरण है, जहां पर सभी दरवाजे बंद हो जावें, एक तेरा दर सदैव खुला रहता है। तू दीनों को पर दयाल है, बाकी दीन दुखी को देखकर दरवाजे बंद कर सकते हैं, परंतु तू दीन दुखी के लिए अपने दरवाजे खोल देता है। दीन दयालु देव तू ही है निज जन का मान, जो तेरे नाम का जाप करने वाले हैं। निज जन जो तेरे जन हैं, मैं तेरा तू मेरा राम, जो दृढ़ व्रती नाम के ऊपर सदैव भरोसा किए हुए नाम का जाप करते हैं, तो उनकी मान उनकी बढ़ाई उनकी रक्षा उनकी परवरिश उनका पालन तू स्वयं अपने हाथ में ले लेता है। अपने जन को दीजिए याचना प्रार्थना की, हे राम हे मेरे देव मैं तेरा हूं तू मेरा है। आज की प्रार्थना सभा निज जन को दीजिए, अपने जन को दीजिए, अपना नाम सुदान, अपना नाम मुझे दान में दे दो, कैसी भी अवस्था क्यों ना हो, मेरा प्रारब्ध कर्म समय समय पर विपरीत मन के विपरीत और मन के अनुकूल जो समय है, मैं दोनों समय को सम जान करके तूने दान में दे दिया, मैं इस परम पावन पवित्र नाम जाप को बड़ी श्रद्धा से प्रीति से भक्ति भाव पूर्ण भावना से करता चला जाऊं। निज जन का है देव तू, जो तेरा हो जाता है, हे देव तू अपने जन की आन बान शान हो जाता है। निज जन जो तेरा जन है, आन बान धन ज्ञान, तू निज जन का आन बान और धन और ज्ञान तू स्वयं
उसके भीतर प्रवेश करके उसको पूर्ण काम कर देता है। हे दयामय, हे प्रभु, मैं आपसे याचना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, दया दान निज नाम से मेरे ऊपर दया करो। मैं भ्रम में बहुत भटका हूं, मैं बहुत भूला रहा, परंतु आपके धाम के अतिरिक्त और कहीं पर भी शांति नहीं है, कहीं पर सुख नहीं है, कहीं पर उद्धार और मंगल कल्याण और किसी भी वस्तु में पदार्थ में नहीं है। मेरी आत्मा का मंगल हो, मेरा कल्याण हो, मुझे आपकी शरण प्राप्त हो, दया दान निज नाम से, आपके नाम जाप से ही ये सब कुछ संभव होगा। मैं आपसे याचना करता हूं देव, प्रार्थना करता हूं, त्राण करो भगवान, मुझे इस भव सागर से पार कर दो। तब गुरु महाराज ने कहा, तारक मंत्र राम है जिसका सुफल सुंदर फल अपार, एक दो चार नहीं अनगिनत अपार फल को तू प्राप्त करेगा। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल सुंदर फल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। हे मानव, तेरा निश्चित रूप से निस्तारा हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह